क्या पंजाब फूड अथॉरिटी को बंद किया जा रहा है? फूड अथॉरिटी को स्टैंडर्ड क्वालिटी बोर्ड में जम करने का हतमी फैसला। फूड अथॉरिटी को जम करने के लिए बनाई गई कमेटी की मिनट मीटिंग जारी। कमेटी बनाने की समरी निगरान हुकूमत के दौर में विफाक को भेजी गई थी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा क्या पंजाब फूड अथॉरिटी को बंद किया जा रहा है? जो कहमत बिल्कुल, इस हवाले से देखा जाए तो कल शाम को ये फैसले किए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है जिसकी ज़ेर सदारत तमाम सेक्टर्स भी बैठे थे। उसमें फूड अथॉरिटी, जो पंजाब फूड अथॉरिटी है, उसको पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के इदारे में जम करने का फैसला किया गया। इस हवाले से अगर बात की जाए तो पंजाब फूड अथॉरिटी को बंद करने के हालात क्यों पैदा हुए, ये एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको पकड़ने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी पिछले तीन साल से, यानी कि 2010 में पंजाब फूड अथॉरिटी का क्याम आया, मगर पिछले तीन साल से 2013, 14, 15 और 16, 17 साल, यानी कि चार साल से ये कोशिश भी कर रही थी कि तमाम जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल होल्डर हैं, तकरीबन 2 लाख के करीब पंजाब भर में इंडस्ट्री होल्डर है और लाहौर शहर में 30% के करीब जो है वो इंडस्ट्रियल हैं, और इसको देखा जाए तो इनको पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर इन्होंने कानून साजी की थी। चूँकि सूबाई गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट कानून साजी कर सकती है 1960 के एक्ट के मुताबिक, मगर अगर देखा जाए तो 2012 का जब एक्ट नाफिजुल अमल आया तो उसमें पंजाब फूड अथॉरिटी ने खाली गली मोहल्लों को नहीं देखा, बल्कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने तमाम पंजाब के जितने भी इंडस्ट्री होल्डर थे उनको बाकायदा तौर पर कानून के दायरे में लेकर आए और उनको लगाम डालने के लिए तमाम तर जो एक्ट हैं उनको सामने रखा और उसके मुताबिक उनको सजाएं भी दिलवाई। अगर बात की जाए घी इंडस्ट्री की, तो घी इंडस्ट्री को भी जो बनस्पति घी था उसको भी पकड़ा गया और उसको बैन किया गया 2020 के बाद। पाकिस्तान में पंजाब में वो घी नहीं बना सकता, बेच सकता है, बेच नहीं सकता, बना सकता है, मगर चूंकि दूसरे सूबे में उन्होंने उनको डाला, जिसकी बाद जो इंडस्ट्री है वो काफी ज्यादा मुतहरिक हुई, उनके कानून, उनके मशीर जो है वो काफी ज्यादा मुतहरिक हुए। अगर बात की जाए आइन के आर्टिकल 153 के तहत बनने वाली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट भी की तो उसने खुराक की कानून साजी में मुदाहलत कर ही नहीं सकती, मगर चूंकि अगर देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट जो है 1960 के कानून के मुताबिक सूबाई गवर्नमेंट के कानून में मुदाहलत नहीं कर सकती, मगर चूंकि जो इस वक्त जो गवर्नमेंट गई है, जो कायम मुकाम गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये केस जो है वो फेडरल को भिजवाया और फेडरल ने इसके ऊपर जो है वो मीटिंग की कर रात को, जिस पर इस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में की मीटिंग हुई, जिसमें मीटिंग मिनट्स जो है वो अब तक जारी हो गए हुए हैं, जिसमें पंजाब फूड अथॉरिटी को जम किया जा रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में। अगर ये जम हो जाती है तो फिर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो कोई भी पॉलिसी जो है वो सूबाई गवर्नमेंट में रहकर नहीं बना सकती, और पॉलिसी जब बनती है तब भी कानून के दायरे में तमाम जितने भी इंडस्ट्री होल्डर होते हैं वो आते हैं। अगर वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड जब पॉलिसी बनाएगा तो फिर सूबाई गवर्नमेंट में सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी गली मोहल्लों और जो जितने भी होटल्स हैं इनकी चेकिंग करने के लिए लगाई का काम कर सकती है, मगर कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। इस वक्त सूरत हाल यह है कि बासर माफिया ने वफाकी कमेटी बनवाने की समरी निगरान गवर्नमेंट के दौर में वफाक को भिजवाई, जबकि आइन के मुताबिक जो है फूड कानून बनाने का अख्तियार सिर्फ जो है वो सूबों को है। यूनिफॉर्म कानून की आर में सूबों से कानून साजी का अख्तियार वापस ले रहे हैं और इनके बनाए गए कानून को खत्म करने की साजिश भी करार दिया जा रहा है। अगर ये फैसला हो जाता है तो फिर होगा क्या? जी बिल्कुल, इसके ऊपर यही एक छोटी सी मिसाल है कि पुलिस के ऊपर पुलिस लगा दी गई है। इसका ये फैसला ये होगा कि मैं पहले भी ये कह रहा हूँ कि जो कानून साजी है, जो सूबाई गवर्नमेंट अभी तक बना रही है, ये पंजाब फूड अथॉरिटी अब तमाम जो इनके अपने मशावरती जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, जो कानून साज बैठे हुए हैं, अब फिर ये पॉलिसी नहीं बना सकेंगे। पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड बनाएगा और पॉलिसी के ऊपर उनको काम करना होगा और वो पॉलिसी जो है वो इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट में बनाई जाएगी, पंजाब फूड अथॉरिटी नहीं बना सकती। यही प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त, जितना भी माफिया वो सरगर्म हुआ हुआ है और पंजाब फूड अथॉरिटी का वो किसी तरीके से भी यहां पर जो पॉलिसी मेकर्स बैठे हुए हैं इनको खत्म करके फेडरल के जुम्मे ये काम सौंपना चाह रहा है, जबकि जब फेडरल ये पॉलिसी बनाएगा तो उससे सूबाई गवर्नमेंट की तमाम तरह जितनी भी यहां पर काविशें हैं, कुवतें हैं, जो यहां पर काम करती हैं दिन रात, जिनको एक एक चीज का पता है किस होटल में क्या चीज बिक रही है, कहां पर कौन सी इंडस्ट्री कौन से नकिस शाह का इस्तेमाल कर रही है, कौन से बेवरेज जो है वो कौन से
कौन से पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से जो जो जूस बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं जहां पर ये काम किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा कि केमिकल से तैयार करदा फार्मूला मिल्क जो है वो जो मात का दूध को मुतबादिल बनाकर बेचने वालों को भी लगाम डाली गई, जबकि दिल की बीमारियों के लिए बड़े सबब बनने वाले बनस्पति घी पर भी पाबंदी और जानिब से की गई है। अब देखना यह है कि इसके बाद क्या हम फैसले सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।